भागो, मैं पैटर्न दे रही हूँ अपनी कुर्ती। Back to the channel guys and I hope you all are doing great. तो आज के ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, पार्लर और वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी दोस्त की शादी में जाने वाली हूँ और वो मेरी बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, जो कि मेरे साथ मतलब हॉस्टल ट्रेनिंग से लेके वो मेरी जॉब तक मेरे साथ थी और हम लोग 6 साल एक साथ रहे, तो बहुत ही अच्छा क्लोज बॉन्ड है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड उसकी शादी में जाने के लिए। उसके पहले मुझे घर की पूरी सफाई, घर की नहीं मतलब मेरे रूम की सफाई और कपड़े वगैरह धोने हैं, वरना इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस ब्लॉग। आई एम डन विथ कपड़े धोने। हाँ, गर्मी से आओ ठंडा ठंडा। मैं पैकिंग, सो लेट्स गो। मैं पैकिंग कर रही हूँ अपनी खुद की। गुड बाय, गया। सुनो, भगाने के बाद भी फिर से आ गए हैं। फिर से आ गए हैं कमरे में। काम कर रहे कि नहीं? काम चोरी, ना पैकिंग करना है ना कुछ करना है। है? कितना मारे हो तुम, देख रहे हो कितना? तुम्हारे चक्कर मेरा पर्स खाली हो गया है, है ना? क्या अभी मेरे को शॉपिंग पे ले जाना है। आप पता, इसलिए तो देख रहे हो। इसलिए क्या, खाली पर्स में क्या शॉपिंग कराओगे? खाली पर्स में नहीं, ये अभी पिछले एक हफ्ते का था मेरे पास 15,000। कपड़े तो हमने सब कुछ निकाल लिए हैं, बस अब हमें बैग निकालना है वो कपड़े डालने के लिए। तो वो बैग है इसके अंदर, तो चलो इस बैग को निकाल दे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कितना भारी है ये बैग। देखिए, लोग के लिए तो छोटे ही बैग लेना है क्योंकि उनको तो सामान नहीं लगता है ना, थोड़ा सा सामान में उनका हो जाता है। मुझे चाहिए सबसे बड़ा बैग, लार्ज साइज का बैग। तो दोनों साइज के बैग यहाँ पे रखे हुए हैं नीचे, तो मैं निकाल लेती हूँ। शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे पार्लर का काम करना था वो करना है और साथ ही कुछ कुछ चीजें खरीदनी थी वो खरीदनी है। तो आधी पैकिंग हो चुकी है मेरी और आधी इनकी बची है, तो अभी हम लोग जाते जाते वो करेंगे। जब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेगा। जब भी मैं इन रास्ते से जाती हूँ तो मुझे ये रास्ता बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पार्लर पहुँचते साथ मैंने अपना काम चालू करवा दिया, फिर वहां से मैं गई टॉप्स लेने के लिए, मुझे कुछ कुछ सामान खरीदना था वो खरीदा। फिर रात में लेट हो गया था, खा पी के हम रिटर्न घर को आए। फिर हमारी बारी थी पैकिंग करने की, मेरी तो हो चुकी थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड की खुशी देख रहे हो ससुराल जाने की, मुझसे भी ज्यादा खुश हो रहा है यहाँ पे ये। फिर ये था बहुत सारा मैस जिसे साफ करते करते तो मुझे मेरी नानी याद आ गई एंड लास्ट टाइम वर्क करने वाला आदमी दिखो। फिर मैंने दादी के लिए एक साड़ी खरीदी। रोना तो ना, रो मत रो मत, फालतू का है, आ जाएंगे घर वापस। हाँ। आ जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं रो। इसमें जो है वो चढ़ चुके हैं और यहाँ पे बढ़िया सा कर्टन लगा हुआ है और बहुत ज्यादा वाइड स्पेस है यहाँ पे। ये मत बोलो, ये ब्लैंकेट है और इनको तो आप जानती हैं। यहाँ पे स्पेस भी है रखने के लिए, यहाँ पे मेरे बैग वैग रखे हैं और विंडो थोड़ी कम है, बाकी बसों में इतनी इतनी विंडोज होती है, यहाँ पे कम है। और बिल्कुल पैक है, ये पैक है, आप इसको खोल नहीं सकते हो। और यहाँ पे दो पिलो दिए हैं और ये अच्छा, ये भी गद्दे वाला है तो आप इसमें टिक भी सकते हो। और प्राइवेसी तो है ही, कर्टन लगे हुए हैं यहाँ पे और बढ़िया वाइट बेड है, दो लोग आराम से सो सकते हैं। और मेरे फ़ोन में यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो जितना मैं ब्लॉक कर सक रही हूँ उतना कर पाऊँगी, और अगर नहीं कर पाई तो समझ जाना कि मेरे पास चार्ज नहीं था। तो अभी हम उड़ीसा से जा रहे हैं रायपुर और ये लंबा सफ़र था, तो सोचे कि हम लोग सो जाए, बट इनको तो देखना था मैच, तो बॉटल में रखने वाली थी पर वो नीचे गिर गई। देखते देखते हमारा जगदलपुर आ चुका था। एक बजे नहीं, बोरगांव, कोंडागांव के आगे।
तो हम लोग जगदलपुर पहुंच चुके थे, यहाँ पे 30 मिनट के लिए बस रुकती है, हम लोग फ्रेंड्स का लगा रहा वेट है कर रहे थे। इधर रायगढ़ का वीडियो, रायगढ़ 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 का। उड़ीसा से रायपुर का सफर 10 घंटे का था और इस 10 घंटों में हमने डिनर किया। डिनर में हम लोग लेके आए थे लेमन राइस और बाकी सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब इनके फ्रेंड्स लेके आए थे और जो कि इन्होंने ही मंगवाया था। तो यहाँ पे हम लोग बड़े मजे से खाना खा रहे हैं। लेमन राइस जो था वो मैंने खाया और इन्होंने बहुत कम खाया क्योंकि इनको अटरम शटरम खाने की आदत है। सुबह हम लोग रायपुर पहुंच चुके थे और हम लोग जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में हम लोग 5 बजे पहुंच गए थे और हमें 2 घंटे वेट करना था क्योंकि हमारी ट्रेन थी 8 बजे। तो मैं वहाँ पे रेडी शेडी हो गई हूँ और ब्रश करने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद वेट किया और यहाँ पे था वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी थी, यहाँ पे एसी लगा था जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ट्रेन हमारी आ चुकी थी और हमारा सफ़र हो चुका था स्टार्ट। तो फिर से हमने खाना पीना स्टार्ट किया कि सब लोग नीचे बैठे हुए थे तो हमने बोला कि हम लोगों को सोना है क्योंकि हमें बहुत तेज़ नींद आ रही है, हम कल से सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे थे 6-7 लोग हमारी 2 सीट में, तो सब लोग बोले कि हाँ ठीक है आप लोग रेस्ट कर लो। तो वो लोग ऊपर सो गए हैं जाके, पर हम लोग नहीं सोए, हम लोग लंच कर रहे हैं और उनको सला के हम लोग लंच कर रहे हैं। ये देखो सब लोग ऊपर सो चुके हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऊपर, और इसके ऊपर भी सोए हुए लोग हैं, बट हमें लंच करना है। और ये वो इंसान है जो बोलता है कि मुझे नहीं खाना है, मुझे लंच नहीं करना है, मुझे भूख नहीं है, पर जैसे ही मैं लंच खोलती हूँ तो मुझसे ज़्यादा ये इंसान खाते हैं। आधा डब्बा ख़त्म हो चुका है और मैंने अभी खाना भी शुरू नहीं किया है। 10 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बेतुल। मोबाइल संभाल लिया है, अब मैं देखूंगा तुम्हें खाली, अब खाली मैं देखूंगा तू कौन है। अब देखो आगे है व्लॉग, अब मैं अच्छा बन जाएगा, हो जाएगा व्लॉग, अब आप लोग देखोगे हम लोगों को। दीदी की शादी में, मतलब दीदी की बहन, दीदी की दोस्त की शादी में तो आ गए हैं और दीदी आ गई है। क्वालिटी इतनी गंदी क्यों दिख रही है, हाँ तो आ चुके हैं, जीजू आ गए, दीदी आ गई, विवेक इधर बैठे हैं। ज़्यादा लेट थे, 3 घंटे लेट थी ट्रेन, और अभी हम लोग 6 बजे पहुँचे हैं। अब जल्दी से जाते हैं, श्रुतिका से मिलते हैं। अभी जब दीदी कुछ बोल नहीं रही थी वो, तो मैंने स्टार्ट किया था, कॉन्फिडेंस आ गया दीदी के अंदर। करो करो काम करो जीजू, अच्छा लग रहा है। काम करा रहे जा। चलो हम लोग आए बहुत प्यारी जगह पे, ठीक है। पहले तो ये वाली जगह देखो कितनी सही लग रही है, ठीक। वंदना आने वाली थी खेत के लिए, हमें बोल के निकली थी, और उन लोग खेत के नाम पे एक घर पे रुके हुए हैं, वहीं तरबूज खा रहे हैं और हम लोग आ गए तरबूज लाने। हम लोग आए हैं तरबूज लेने, अब उनके लिए लेके जा रहे हैं, तभी उनके नसीब में वो तरबूज आएगा, तो हम लेके जाएंगे क्योंकि जितने तरबूज थे हम लोग ने खा गए, हम लोगों ने नहीं। जैसे कि आप लोगों को अभी तक पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे नहीं गई थी, मेरे भाई लोग यहाँ पे गए थे और काफ़ी अच्छी खासी इन लोगों ने ट्रैकिंग की जो मैंने देखा, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये खेत जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है फ्री में और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है खेत में। तरबूज लगे, ये तरबूज है इसका, उसने 4-5 पीस खा लिया इसलिए फिर आया हम लोग, ताकि वो कम पड़ गया था इसलिए फिर देना पड़ा अपने। फिर वहाँ भैया आए, अपने भैया भैया भी आए हैं साथ में, भैया भी आ गए, वाले भैया भी आए हैं, भैया खेत में लाए, व्यवस्था जमाई होगी हमें लग रहा है। अरे अरे हो गई फ्री हिट, कमर के ऊपर है, ज़ूम करके आउट 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 है, वायर के ऊपर से गई है, आउट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लॉन की तरफ और रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, हम सबकी बड़ी पड़ी है। सामने देखो रास्ता कैसा है, बिल्कुल पतला सा, और वो भी उसमें भी ऐसे ऊपर का पड़ हो रहा है। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे डर लग रहा है मैं पीछे से बिकाना चाहूँ, मोटे मोटे लोग दो लोग आगे बैठे हैं और मैं बिल्कुल लास्ट में बैठी हूँ और मुझे डर लग रहा है।
रहा है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, पर ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। मुझे खाली इतना धक्का मारने की जरूरत है बस नीचे फिर। चला तुम्हारा कार, ये लो इनकी कार इधर खड़ी है, अब आप जाओ, रुको इधर ही रुक जाओ। किधर जा रहे हैं? नहीं हम तो लॉन जा रहे हैं। अच्छा आप डायरेक्ट लॉन जा रहे हो? हां लॉन जा रहे हैं। हां चलो लॉन ही चलना है। 3 है और इधर ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट आए, पहले मैं सेकंड आया हूँ। आप पहले ब्लॉग में भी देख सकते हो कि मैं हमेशा जीतता हूँ एज यूजुअल। और मैं सेकंड आया हूँ, ये थर्ड आया है, और अभी इन दोनों के बीच में चल रहा है घमासान युद्ध। देख मैं तो तीसरी बार आ रही हूँ। चले का ब्लॉग है, आप ही को दिखाओ, आप मुंह दिखाओ पहले, आगे आओ थोड़ा सा। यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली द डे इज़ कमिंग जहाँ पे मैं श्रुतिका की शादी में पहुँच गई हूँ। मेरी शादी ठीक 2 महीने पहले हुई है और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस शादी में जा भी पाऊँगी, क्योंकि मैं शादी के बाद एक और शादी में गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड की, और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस शादी में अटेंड कर पाऊँगी। पर फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था श्रुतिका को लहंगे में देख के, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और निहाल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोनों को देख के। और टीना दीदी जो उसकी बड़ी दीदी है वो भी उसको देख रही थी, मैं भी उसको देख रही थी, हर कोई उसको देख रहा था, वो दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था कि फाइनली उसकी शादी हो रही है। एंड हमने इतना डिसाइड भी नहीं किया था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, बट फाइनली उसकी शादी हो चुकी है। एंड आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से सब कुछ हो चुका है एंड आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। चलो चलो बारिश होने लगी है, ये मेरा पर्स पकड़ो, मैं भाग नहीं पा रही हूँ, पकड़ो पकड़ो फोन पकड़ो। ये देखो हम लोग बारिश में भाग रहे हैं, बहुत जोर का बारिश हो रहा है और सब भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देख अनवांटेड बारिश चालू हो गई थी यहाँ पे, पर ठीक है सब कुछ हो गया था, सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी थी। बारिश हुई तो क्या हुआ, अच्छा हुआ तो थोड़ा मौसम भी ठंडा हो चुका था। एंड मैं यहाँ पे उसके सारे रिचुअल्स में उसके साथ थी जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इन्वॉल्व होना शादी में पूरी तरह से। और यहाँ पे श्रुतिका की विदाई हो चुकी है एंड दोनों को मैं विश करूँगी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट।